यस बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर अपना 5 चल रहा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या था बच्चों? एसिड बेस एंड सोल्ट, ठीक है बच्चों। क्लास है आपकी 7 और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों एसिड बेस एंड सोल्ट, ठीक है बच्चों। चैप्टर हमारा था बच्चों 5, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट, ठीक है बच्चों। एसिड बेस एंड सोल्ट, तो यहां पे प्यारे बच्चों हमने इंडिकेटर की बात की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने किसकी बात की थी प्यारे बच्चों? इंडिकेटर्स की। ठीक है बच्चों, इंडिकेटर्स के द्वारा हमें ये आइडेंटिफाई करवा करते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है, ठीक है। सभी का जो कलर होता है प्यारे बच्चों अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, सभी का जो कलर होता है वो अलग अलग करता है। हमने इंडिकेटर्स के अंदर प्यारे बच्चों हमने बात की थी नेचुरल इंडिकेटर की, ठीक है बच्चों, नेचुरल। और एक बच्चों बात की थी हमने आर्टिफिशियल, ठीक है बच्चों। हमने नेचुरल बात की थी और एक आर्टिफिशियल की बात की। नेचुरल के अंदर प्यारे बच्चों हमने बात की थी किस किस की? एक तो जैसे लिटमस पेपर, ठीक है बच्चों, लिटमस पेपर था। उसके बाद क्या था? चाइना रोज, पीटर्स थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने टर्मेरिक, इनकी बात की, ठीक है बच्चों। जैसे लिटमस पेपर होता है, चाइना रोज, पीटर्स होते हैं और टर्मेरिक होते हैं। ये कैसे इंडिकेटर होते हैं प्यारे बच्चों? दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है बच्चों, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। उसके बाद प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कहां बनाते हैं प्यारे बच्चों? इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में प्यारे बच्चों इनको तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसमें आर्टिफिशियल के अंदर बेटा हमने एग्जांपल पढ़ा था फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन की बात की थी प्यारे बच्चों। एक हमने बात की थी मिथाइल ऑरेंज की, हाँ बच्चों सभी को इनके नाम याद है क्या? यस बच्चों, कोई हमें पूछे कि एग्जांपल्स बताओ नेचुरल इंडिकेटर का, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंडिकेटर, तो बच्चों आप बता सकते हो ना? हाँ बच्चों, यस। उसके बाद पहले बच्चों देखो आपकी बुक्स के अंदर मैंने कल एसिड के बारे में बताया था कि जैसे एसिड किस किस से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड किस से प्राप्त करते हैं पहले बच्चों? विनेगर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसका जैसे फॉर्मिक एसिड है वो आर्टिस्टिंग से प्राप्त करते हैं, ये सारा मैंने बताया था। ओजेलिक एसिड स्पाइनिस से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सारा हमने सब कुछ देखा था, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों जैसे टर्मेरिक, टर्मेरिक होता है, टर्मेरिक जो हल्दी होती है उसको कैसे बनाते हैं? उस इंडिकेटर को प्यारे बच्चों कोई हम पेपर ले लेते हैं और उसके ऊपर हम हल्दी का लेप लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हल्दी का लेप लगाने के बाद उसके ऊपर यदि हम कुछ ड्राइंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे साबुन का पानी है उसको भिगो भिगो के उसके ऊपर हम फूल बना सकते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रकार से ग्रीन ग्रीन रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम हल्दी के ऊपर बेस लगाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर पेज नंबर 57 के अंदर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर होता है प्यारे बच्चों एक प्लांट होता है जो लाइकेन, ठीक है, लाइकेन एक प्लांट होता है। ये ध्यान रखना कि जो लिटमस पेपर होता है प्यारे बच्चों, लिटमस पेपर होता है वो हम प्राप्त करते हैं बच्चों लाइकेन से, ठीक है। और लाइकेन एक क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लांट होता है। और हमें पता है कि जब हम एसिड के अंदर लिटमस पेपर को डिप करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को, तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों? रेड हो जाता है। और जब हम बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों? ब्लू हो जाता है, ठीक है। जबकि सोल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है,
ब्लू का ब्लू रहेगा और रेड का रेड रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, उसके बाद जैसे चाइना रोज होते हैं, चाइना रोज मतलब चाइना रोज जो होता है वो एक पौधा होता है जिसका नाम होता है रोजा चाइनेंसिस, ठीक है। उसका बोटेनिकल नेम होता है जो चाइना रोज होता है, प्यारे बच्चों ये जो चाइना रोज होता है, ठीक है, ये एक प्लांट से प्राप्त करते हैं जिसका नाम होता है चाइना, ठीक है, चाइना प्लांट होता है उससे प्राप्त करते हैं। चाइना प्लांट की जो लीफ होती है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, चाइना प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उससे हम प्राप्त करते हैं। और जो चाइना प्लांट होता है प्यारे बच्चों, चाइना जो प्लांट होता है उसका बोटनिकल नेम याद करना रोजा चाइनेंसिस। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों इसका? रोजा चाइनेंसिस। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चाइना जो प्लांट होता है प्यारे बच्चों उसका नाम क्या होता है? रोजा चाइनेंसिस। रोजा चाइनेंसिस इज द बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम ऑफ चाइना रोज प्लांट। ये लाइन याद रखनी है आपको, ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। तो चाइना रोज होता है उसका प्यारे बच्चों बोटनिकल नेम क्या होता है? चाइना रोजा चाइनेंसिस, ठीक है, रोजा चाइनेंसिस इसका बोटनिकल नेम होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद प्यारे बच्चों हम आगे बात करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना जो नेचुरल होता है वो लिटमस पेपर होता है, और लिटमस पेपर प्यारे बच्चों किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। चाइना रोजा, चाइना जो रोजा रोज पेटल्स होता है वो किससे प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों? रोजा चाइनेंसिस से प्राप्त करते हैं। और जो हल्दी होती है, टर्मेरिक होती है, वो तो हल्दी, हल्दी का पेस्ट बना लेते हैं प्यारे बच्चों पानी के अंदर घोल के, उसको किसी पेपर पे लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं वो हम लेबोरेटरी के अंदर बनाते हैं, जैसे प्यारे बच्चों एक फिनोप्थलीन आपको नाम याद रखना है, ठीक है, और एक मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं ये एक प्रकार से नेचुरल इंडिकेटर होगा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, और ये जब इनको हम डिप करते हैं तो इनका कलर पिंक हो जाता है, ठीक है बच्चों, पिंक कलर देते हैं। हाँ, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए एसिड के अंदर यदि हम ये इंडिकेटर मिलाते हैं फिनोप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, तो एसिड के अंदर प्यारे बच्चों इनका कलर कैसा हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है, ठीक है, जबकि बेस के अंदर नो कलर, कोई चेंज, कोई कलर नहीं आता है, ठीक है बच्चों। जब हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर को एसिड के अंदर डालते हैं तो उसका कलर प्यारे बच्चों पिंक हो जाता है और बेस के अंदर कोई कलर नहीं आता है, ये बात भी आप उसको याद कर लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों जब हम फिनोप्थलीन को एसिडिक मीडियम के अंदर डिप करते हैं तो प्यारे बच्चों कोई चेंज नहीं होता है, और जो बेसिक जो मीडियम होता है वहां पे उसका कलर होता है पिंक कलर, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद एक रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें प्यारे बच्चों, इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि इंडिकेटर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल। नेचुरल के नाम लिटमस पेपर होता है, चाइना रोज होता है, टर्मेरिक होता है। लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, लाइकेनिक प्लांट होता है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं, लाइकेनिक प्लांट होता है जिसके अंदर सिंबायोसिस होता है। आप जैसे कि 7th क्लास में 8th क्लास में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे आप पढ़ोगे बच्चों सिंबायोटिक प्लांट, ठीक है, तो लाइकेन इज द एग्जांपल ऑफ सिंबायोटिक प्लांट, ठीक है, वहां पे फंजाई और एल्गी दोनों साथ रहते हैं, ठीक है बच्चों। एल्गी का मतलब होता है शैवाल और फंजाई का मतलब होता है कवक,
उसके बाद प्यारे बच्चों चाइना जो रोज होता है वो हम प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों रोजा चाइनेंसिस से, नाम याद रखना ठीक है। वी ऑब्टेन चाइना रोज पेटल्स फ्रॉम रोजा चाइनेंसिस प्लांट, ठीक है। एंड रोजा चाइनेंसिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ रोज प्लांट, ठीक है। चाइना रोज प्लांट होता है उसका बोटेनिकल नेम होता है, हर किसी का बोटेनिकल नेम होता है, जैसे आम का बोटेनिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जो बबूल होती है उसका नाम एकेसिया नाइलोटिका होता है, ठीक है। जैसे चाय पीते हैं उसका नाम कैमेलिया चाइनेंसिस होता है, ठीक है। जो कॉफी पीते हैं उसका नाम कॉफी अरेबिका होता है, हर किसी का बोटेनिकल नेम होता है। जितने भी प्लांट्स होते हैं प्यारे बच्चों उनका बोटेनिकल नेम होता है, और जितने भी एनिमल्स होते हैं प्यारे बच्चों उनका जूलॉजिकल नेम होता है। जैसे हम हमारा एनिमल नेम हमारा जूलॉजिकल नेम होता है प्यारे बच्चों होमो सेपियंस, हम क्या हैं होमो सेपियंस, ठीक है बच्चों। जितने भी प्लांट्स होते हैं बच्चों ध्यान रखना, जितने भी प्लांट्स होते हैं प्यारे बच्चों उनका बोटनिकल नेम होता है, बोटनिकल नेम होता है प्यारे बच्चों। और जितने भी प्यारे बच्चों एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है, उन सब के बच्चों जूलॉजिकल नेम होते हैं, जूलॉजिकल नेम होते हैं, ठीक है बच्चों ध्यान रखना। जैसे हम क्या है एनिमल है तो हमारा नाम प्यारे बच्चों क्या होता है हमारा नाम होता है होमो सेपियंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने बात की थी किसकी बात की टर्मरिक, टर्मरिक किससे प्राप्त करते हैं जो हल्दी होती है प्यारे बच्चों हल्दी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल के अंदर दो चीजें हैं फिनोफ्थलिन होते हैं और मिथाइल ओरेंज होते हैं। जो फिनोफ्थलिन होते हैं वो एसिडिक मीडियम के अंदर नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं होता है, जबकि बेसिक के अंदर उसका कलर कैसा हो जाता है प्यारे बच्चों पिंक कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने स्लाइड के अंदर देखी। अब बच्चों हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। यस बच्चों सभी के पास आवाज आ रही है बेटा प्रॉपर, हेलो बच्चों, हाँ सभी बच्चों की पास प्रॉपर आवाज आ रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों जैसे एसिड की रिएक्शन जब बेसिक कराते हैं तो प्यारे बच्चों सोल्ट बनता है, उसी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हेडिंग लिखते हैं प्यारे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एसिड बेटा बेस से रिएक्शन करता है, जैसे एसिटिक एसिड है वो बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर ले, ठीक है। जैसे फॉर्मिक एसिड है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कर ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर ले, मतलब एक एसिड होगा एक बेस होगा, ठीक है। तो यहां पे बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको, इसकी डेफिनेशन लिखनी है चाहे बच्चों द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन ऐसे लिख लेना इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्मेशन type of reaction
is known as neutralization reaction. ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? पहले बच्चों एसिड किससे रिएक्शन करता है? बेस से। तो यहां पे लिखा है मैंने इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक है, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्मेशन किसका होता है बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड रिएक्शन को दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एसिड रिएक्शन को क्या बोलते हैं पहले बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो जैसे हमने रिएक्शन की बेटा एसिड प्लस बेस, और कह रहे बच्चों यहां पे जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो यहां पे कह बच्चों बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, उसके बाद कुछ इसमें हीट भी निकलती है। ठीक है, प्लस में हीट भी निकलती है। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे बच्चों एग्जाम्पल जैसे एसिड क्या हो सकता है बच्चों? जैसे हमने एसिड की रिएक्शन, जैसे एसिड ले ले हम यहाँ पे HCl, ठीक है HCl एसिड के रूप में हमने लिया पहले बच्चों HCl, प्लस बेस के रूप में पहले बच्चों हमने लिया NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बच्चों बनता है आपका NaCl प्लस में बच्चों H2O प्लस में बच्चों हीट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे HCl होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, और इसको बोलते हैं क्या बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा बेस होता है। क्या होता है क्या बच्चों? बेस होता है, और ये होता है एसिड होता है। ठीक है बच्चों, और यहां पे मेरे पैर बच्चों बनता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम, और सोडियम क्लोराइड बेटा होता है सोल्ट। ठीक है, और पैर बच्चों यहां पे बनता है वाटर, और यहां पे निकलती है पैर बच्चों हीट निकलती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एग्जांपल है बच्चों, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना मैंने लिखा है यहाँ पे इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस। ध्यान रखना एसिड की रिएक्शन बच्चों किससे होगी? बेस के साथ। ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, और क्या बनेगा बच्चों? ये दो चीजें याद रखना। ठीक है, जैसे एरो से पहले एसिड और बेस, एरो से पहले एसिड और बेस, और एरो के बाद में सोल्ट एंड वाटर और हीट। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं, और बनता क्या है? सोल्ट और वाटर। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बच्चों हम बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें एसिड प्लस बेस क्या बना पहले बच्चों? सोल्ट बना। क्या बना बच्चों? सोल्ट बना। ठीक है, और सोल्ट के बाद साथ में प्लस में वाटर बना, और प्लस में बच्चों हीट निकली, मतलब गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एसिड के रूप में हमने HCl लिया, HC और L छोटा बनाना है। ठीक है, L बड़ा नहीं बनाना है, HC और L छोटा बनाना है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Na छोटा OH, ठीक है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस होता है, ये N A छोटा C फिर L छोटा, ये सोडियम क्लोराइड सोल्ट होता है H2O, H और H के नीचे 2 है। ठीक है बच्चों, हमें ऐसे नहीं बनाना है H2O, ऐसे नहीं बनाना है, हमें बनाना है H फिर 2O। ठीक है, ये सही है ये गलत है? उसके बाद बच्चों हीट निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन को पहले बच्चों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद पहले बच्चों हम आगे बात करते हैं। बच्चों अब यहाँ पे बच्चों हम इसके क्या देख रहे हैं? एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसके हम एप्लीकेशन देख रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब बच्चों सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ,
हमारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले होता है प्यारे बच्चों एसिडिटी हो जाती है किसी की, एसिडिटी। हाँ बच्चों, एसिडिटी बोलते हैं इसको, इनडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इनडाइजेशन। ठीक है बच्चों, क्या तो हम एसिडिटी बोलते हैं क्या इनडाइजेशन होता है? कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, हम कुछ ऐसे ही खा लेते हैं, किसको नहीं दिख रहा? नवल किशोर को क्लियर नहीं दिख रहा क्या? नवल किशोर ही एक ऐसा बच्चा है जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है, और सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है। नवल किशोर के नेटवर्क वीक है। हाँ बच्चों देखो, तो बेटा एसिडिटी और इंडाइजेशन का मतलब समझो। जैसे हम कभी क्या होता है कि जैसे कुछ एसिड वाली चीजें खा लेते हैं, जैसे जैसे ज्यादा पीकर्स खा लेते हैं, अचार ले लेते हैं, ज्यादा कॉफी, ज्यादा चाय, तो नेचुरल रूप से हमारे स्टोमक जो हमारा होता है, जो हमारा स्टोमक होता है बेटा, जो हमारा पेट होता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना विच एसिड फाउंड इन आवर स्टोमक, तो ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखना इसका, कौन सा एसिड होता है हमारे स्टोमक के अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये नेचुरल रूप से होता है। ठीक है, नेचुरल रूप से होता है। ये क्या करता है कि खाने के अंदर कभी कभी कुछ बैक्टीरिया इंसेक्ट ऐसे चले जाते हैं, तो उनको मारने का काम करता है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, हमने ज्यादा एसिड ले लिया। ठीक है, हमने जैसे पीकर ले लिया, ठीक है, हमने ज्यादा एक प्रकार से टी होती है, कॉफी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये एसिड बढ़ा देते हैं हमारे स्टोमक के अंदर। प्यारे बच्चों क्या होता है, एसिड को बढ़ा देते हैं। अब जब एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया तो उससे क्या होगा कि हमें खट्टी लगकर आएगी, हमारे पेट के अंदर दर्द होगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों एसिडिटी या इनडाइजेशन। अब बच्चों हमारे पेट में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, अब क्या देंगे हम, तो हम बेस के रूप में, तो एसिड की रिएक्शन हमें पता है जब बेस से होती है प्यारे बच्चों, तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम यूज करेंगे, तो यहां पे करेंगे प्यारे बच्चों यूज ऑफ एंटा एसिड। डॉक्टर के पास जाएंगे, बताएंगे कि मेरा ये हो रहा है। ठीक है, एंटा एसिड, और प्यारे बच्चों एंटा एसिड के रूप में डॉक्टर देता है, क्या देता है, मिल्क। ध्यान रखना इसका नाम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्या होता है, MgOH2। ठीक है बच्चों, MgOH2, और इसका नाम होता है प्यारे बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या नाम होता है इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक प्रकार से बेस होता है। इसका काम करता है प्यारे बच्चों, ये बेस का काम करता है। और हमें पता है जब एसिड की रिएक्शन, जब एसिड हमारे पेट के अंदर पहले से है, अब हमने बेस के रूप में क्या ले लिया प्यारे बच्चों, ये ले लिया, तो हमें पता है कि एसिड और बेस रिएक्शन करने के बाद न्यूट्रल हो जाएंगे, और हमारे जो पेट में जो दर्द है, जो एसिड बन रही है, जो गैस बन रही है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ध्यान रखना इसका, तो और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्यारे बच्चों एक एंटा एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, एंटा एसिड होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बेटा दूसरा एप्लीकेशन है यहां पे, ध्यान रखना, एंड बाइट एंड बी स्टिंग दूसरा है बच्चों, इसको मैं साफ करता हूं, दूसरे नंबर पे आता है प्यारे बच्चों,
एंड बाय को चीटी काटते हैं हमें, दूसरे नंबर पे है एंड आंट बाय और स्टिंग ऑफ बी या बी स्टिंग मधुमक्खी डंक मार देती है बी स्टिंग। अब बच्चों हमें पता है कि यहां पे मधुमक्खी या तो चींटी होती है, मधुमक्खी या चींटी के अंदर क्या होता है बेटा एसिड होता है, क्या होता है मेरे बच्चों उसकी डंक के अंदर ठीक है एसिड होता है, एसिड प्रेजेंट प्रेजेंट इन एंड बी आंट एंड एंड स्टिंग ओ हनी बी, जो मधुमक्खी होती है पहले बच्चों शहद बनाने वाले, तो उसके उसके स्टिंग के अंदर एसिड प्रेजेंट इन आंट एंड स्टिंग ऑफ हनी बी, कौन सा एसिड होता है पहले बच्चों यहां पे लिखना फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड ठीक है बच्चों, कौन सा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। अब हमें उस पे यदि हम क्या लगाएं कि वो न्यूट्रल हो जाए, तो बच्चों हम यहां पे इसको सही करने के लिए क्या लगाते हैं पहले बच्चों बेकिंग पाउडर लगाते हैं, बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है पहले बच्चों NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं पहले बच्चों हीटिंग सोडा, खाने का सोडा होता है ना मीठा सोडा हीटिंग सोडा, और इसी को बच्चों बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसके नाम है ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम बेस के रूप में क्या यूज करते हैं पहले बच्चों बेकिंग पाउडर यूज लगाते हैं ठीक है, उसको पानी में फेंके उसके ऊपर जहां पे मधुमक्खी ने काटा है या आंट ने हमें काटा है तो वहां पे उस पर लेप कर लेते हैं। अब हमें पता है कि उसके अंदर क्या है एसिड है, क्या है बच्चों एसिड है, और जो बेकिंग पाउडर किसका काम करता है बेस का काम करता है, जब एसिड की और बेस की रिएक्शन होगी तो पहले बच्चों क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा और वहां पे एसिड का जो इफेक्ट है वो नष्ट हो जाएगा और हमें रिलीफ फील होगा, हमारी जो जलन होती है वो दूर हो जाएगी ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब एंड बाइट होती है या बी स्टिंग होती है तो याद रखना उसके स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पहले बच्चों आगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, यस बच्चों स्क्रीनशॉट लें जल्दी से इसका, उसके बाद पहले बच्चों तीसरे नंबर पे आता है सोइल ट्रीटमेंट, सोइल मिट्टी होती है ना खेत के अंदर जो मिट्टी होती है, कई बार क्या होता है कि मिट्टी का जो पीएच कम या ज्यादा हो जाता है तो प्रोडक्शन नहीं होता है पैदावार नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं उस मिट्टी का सैंपल लेके जाते हैं जहां पे जो लेबोरेटरी होती है वहां पे चेक करवाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि इसका पीएच गड़बड़ा गया है ठीक है, तो वहां पे उस कारण जो मिट्टी के अंदर जितना पैदा होना चाहिए उतना पैदा नहीं होता है, तो किसान क्या करता है उसको टेस्ट करवाता है ठीक है। तो यदि तो यहां पर तीसरा याद रखना सोइल ट्रीटमेंट, सोइल ट्रीटमेंट ठीक है बच्चों, सोइल ट्रीटमेंट के अंदर पहले बच्चों यदि मिट्टी क्या है एसिडिक है, मिट्टी कैसी है बच्चों एसिडिक है, उसका पीएच 7 से कम है तो वहां पे क्या करेंगे बेटा हम वहां पे उसके अंदर एसिडिक सोइल के अंदर एसिडिक जो सोइल होती है बच्चों उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं बच्चों बेसिक बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन के रूप में क्या क्या होता है बच्चों ध्यान रखना, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CaO, या मिलाते हैं पहले बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला होता है पहले बच्चों CaOH2 ठीक है बच्चों CaOH2। अब यदि हम एसिडिक मिट्टी के अंदर ये चीजें मिलाएंगे बेसिक सॉल्यूशन के रूप में हम क्या तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला सकते हैं ठीक है, तो यहां पे
इसको बोलते हैं किल्ट लाइफ और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्लिक लाइफ। ठीक है, किल्ट लाइफ या स्लिक लाइफ के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके द्वारा क्या होगा, मिट्टी कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगी। हाँ बच्चों, अब यदि मिट्टी कैसी है बच्चों, मिट्टी कैसी है बच्चों, बेसिक मिट्टी है, उसका पीएच कितना है, 7 से ज्यादा, बेसिक सोइल है। तो बच्चों उसके अंदर हम ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या यार ऐड करते हैं पहले बच्चों, ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करते हैं। ठीक है, जब उसके अंदर ऑर्गेनिक, ये पहले बेसिक सोइल है, इसका पीएच 7 से ज्यादा है, अब इसके अंदर हमने क्या डाला बच्चों, ऑर्गेनिक मैन्योर डाला, तो ये कैसी हो जाएगी बच्चों, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, और इधर ये जो मिट्टी है ये भी कैसी हो जाएगी पहले बच्चों, न्यूट्रल, और यहाँ पे पैदावार ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक लास्ट है हमारा, चौथे नंबर पे है पहले बच्चों फैक्ट्री वेस्ट, फोर्थ नंबर पे है बच्चों, फोर्थ नंबर पे है फैक्ट्री वेस्ट। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है पहले बच्चों, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, तो उनके अंदर बहुत खतरनाक केमिकल्स निकलते हैं। यदि एसिडिक मीडियम, एसिडिक यदि केमिकल निकल रहा है, तो वहां पे हम बेस से उसकी रिएक्शन करवाएंगे, यदि बेसिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो वहां पे एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है बच्चों, और उसके द्वारा हम उसका क्या कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ये क्या बोल रहे हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की जो एप्लीकेशंस थे उसके अंदर हमने चार पढ़े पहले बच्चों। एक तो हमने देखा इनडाइजेशन, ठीक है बच्चों, एक तो हमने एसिडिटी देखा या इनडाइजेशन देखा, दूसरा हमने प्यारे बच्चों क्या देखा, दूसरा हमने देखा आंटीस्टिंग या हनीबी का जो गंध होता है उसको भी हम न्यूट्रल कर लेते हैं, तीसरा हमने देखा बच्चों सोइल ट्रीटमेंट, और चौथे नंबर पे देखा बच्चों हमने फैक्ट्री वेस्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हमने आज की क्लास के अंदर सीखी है बच्चों। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय।